हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, दैट इज ए फिजिक्स पार्ट। इसका मेन कंटेंट है फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी विषय वस्तु में इसी विषय में हम ये सब कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलते हैं कंटेंट के ऊपर। फोर्स, ए पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अगर किसी चीज़ को पुल करना है या पुश करना है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, मतलब फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, तभी एक एजेंट ऑब्जेक्ट को अंदर इंटरैक्शन होता है, तभी तो फोर्स बनता है। फोर्स एक्सप्लोरिंग, फोर्स जब काम करता है कौन सी डायरेक्शन में काम करता है ना, अगर फर्स्ट वाला है फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स जिस दिशा में होता है, ऑब्जेक्ट जिस दिशा में जाता है, फोर्स अगर उसी दिशा में काम कर देता है, तो ऐड टू वन अनदर, एक दूसरे को दोनों को मिला देना है, ताकि रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा F1 + F2। यहाँ पर देखिए F1 + F2, ये वाला है रिजल्टेंट फोर्स। अगर दोनों ऑब्जेक्ट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में जाता है। सेकेंडली, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्सेस ऑपोजिटली एक्ट करता है, तो वहाँ पर डिफरेंस करना, मतलब टू फोर्सेस को माइनस करना है, यानी रिजल्टेंट फोर्स F = F1 - F2। वहाँ पर एक कंडीशन है, अगर F1 > F2 होता नहीं, अगर तो F2 > F1 होगा, तब आपको लिखना है रिजल्टेंट फोर्स F = F2 - F1, ऐसा होता है। उसके बाद आता है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है, तो उसी का कौन सा कैरेक्टर को चेंज करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्स कैन चेंज द रेस्ट ऑब्जेक्ट टू मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, तो उसको हम पुल करेंगे या पुश करेंगे, ताकि वो मोशन में जा सके। ए चेंज फोर्स कैन चेंज मोशन ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट मोशन में जाता है, तो फोर्स अप्लाई करने पर वो रेस्ट भी हो सकता है। फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड को बढ़ाना या कमाना पड़ेगा, तो हम फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्टली, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दिया है डायरेक्शन, आप क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल, वहाँ पर देखिए बॉल एक दिशा में आता है, तो बैट्समैन उसी बॉल को जिस भी दिशा में चाहता है उसी दिशा में मार देता है, तो उस वहाँ पर जो डायरेक्शन को चेंज करना है, ताकि वो फोर्स अप्लाई कर सकते। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप को चेंज करने के लिए फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आप घर पे रोटी बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, पानी पूरी बनाते हैं, तो वहाँ पर जो उसका शेप को कैसे चेंज करना है, ये वाला है फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कैसा है और कितने तरीके के होते हैं ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस दो तरीके की होती हैं, एक कंटैक्ट फोर्स, दूसरा है नॉन कंटैक्ट फोर्स। यहाँ पर दिया है किसकी वजह से ना, अगर एजेंट फोर्स को अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट को टच करेगा या ना करेगा, अगर करता है तो उसी को कंटैक्ट फोर्स बोलते हैं, अगर नहीं करता है तो उसको नॉन कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देखिए, अगर फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, अगर एजेंट ऑब्जेक्ट को टच करता है, तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। उसी कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल होता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पर है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एन एक्शन ऑफ मसल। मसल की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसको हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। जैसे कि कैरी ए लगेज,
लगेज को कैरी करना है, बकेट को उठाना है हाथ में, तो यहाँ पर हम मस्कुलर को यूज़ करते हैं, तो इसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है ना, अगर किसी द फोर्स रिजल्टिंग एक्टिंग अपोजिटली ड्यू टू फ्रिक्शन, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल होता है रोलिंग ऑफ ए साइकिल ऑन द रोड है, ऑन द रोड और साइकिल टायर, ये वाला है फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल। ये दोनों हैं, बोथ मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है ना, व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर दिया है विदाउट कॉन्टैक्ट, अगर फोर्स अप्लाई करने पर एजेंट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा तो उसी फोर्स को हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसका एग्जाम्पल है एक मैग्नेटिक फोर्स। द ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट को यूज़ करके हम किसी के ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर मैग्नेट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, एक कॉइन रख देना, उसके पास में एक मैग्नेट रख देना, लेकिन बोथ आर नॉट कॉन्टैक्ट इच अदर बट द कॉइन आर डायरेक्टली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सेकेंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ए फोर्स एग्जर्टेड बाय ए चार्ज बॉडी टू अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर किसी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, यहाँ पर भी एजेंट ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा। एक चार्ज को हम अट्रैक्ट ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वहाँ पर यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया है, ए स्ट्रॉ रब्ड विथ ए पेपर अट्रैक्ट ऑल्सो अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इफ इट इज हैज ऑल्सो बीन रब्ड विथ ए शीट ऑफ पेपर। एक स्ट्रॉ है जिसको हम रब कर दिया ताकि वो चार्ज हो जाए, एक चार्ज स्ट्रॉ अट्रैक्ट द अनदर अनचार्ज स्ट्रॉ, अगर एक चार्ज स्ट्रॉ रिपेल अनदर चार्ज स्ट्रॉ, ये दोनों है अट्रैक्ट और रिपेल, द बोथ आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्डली ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बेसिकली आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द अर्थ। बेसिकली ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी चीज़ को ओपनिंग और खींचने को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ों से फल गिरेगा तो वो अर्थ की ओर चलाएगा, ये वाला है एक एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर क्या है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यहाँ पर गलती से लिख दिया है फोर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रेशर, तो प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। उसका सिंबल है पी, हम सिंबल इसका यूज करेंगे तो उसको लिखना है पी, उसका फार्मूला आएगा पी इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ फॉर फोर्स ए फॉर एरिया, तो उसका फार्मूला हो जाएगा पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। और उसका यूनिट क्या होगा ना, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल भी कह सकते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड ऑन लिक्विड एंड गैसेस, अगर इसी प्रेशर लिक्विड में और गैसेस में कैसे काम करता है, आप देखेंगे एक बॉटल में पानी भर के उसको एक ऊंची जगह पर रख दीजिए और वहाँ पर चारों ओर थोड़ा सा रंध्र कर दीजिए तो पानी चारों ओर निकलेगा, यानी प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसी तरह गैसेस ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। उसको समझाने के लिए मैंने पिक्चर लिया है, देखिए यहाँ पर एक बॉटल में पानी है, उसके चारों ओर मैंने रंध्र कर दिया ताकि पानी देखिए किसी दिशा में बहता है न, वॉल जो है जो उसका बॉर्डर है उसी दिशा में वो निकलता है, यानी लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर।
उसके बाद आता है लास्टली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्या है ना, अगर द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ के चारों ओर एयर का एक बाउंड्री वॉल है और उसी बाउंड्री वॉल अर्थ के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट वर्टिकली और परपेंडिकुलरली ऑन द ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एक्ट करता है ना, परपेंडिकुलरली और वर्टिकली, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्टिकली वो एक्ट करता है। यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, अगर आप सीधे खड़े होंगे तो ज़मीन के ऊपर, तो आपके ऊपर में जो सर सर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर हैं वो आपके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करता है यहाँ पर, तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आपकी सर की एरिया जितना है उसी एरिया के ऊपर जितना एयर वहाँ से आता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ताकि उसकी वजह से आपको अर्थ के ऊपर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट और मास जिसको कहते हैं वो बनता है। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप बहुत मात्रा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये वीडियो सारे बच्चों के पास पहुंच सके। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।